हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए एक और सवाल कर लेते हैं। क्लास टेंथ गणित का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, 1.1 सवाल है। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर इस किस्म के सवाल आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये जो c है, अगर इसको लिखे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो जो c है, अगर जैसे यहाँ पे 10 है, तो आपको सबसे पहले 10 के ऐसे दो गुणनफल निकालने हैं जिनका अंतर, यहाँ पे अगर माइनस है तो अंतर निकाल कर आपको डिफरेंस निकालना है उसका। यहाँ पे माइनस है, 10 के दो गुणनफल निकालना है जिसका अंतर 3 हो। यहाँ 3 के सामने जो दी हुई साइन है, जो उसका चिन्ह है, उसको आपको नहीं देखना है। हमें 10 के ऐसे दो गुणनखंड निकालना है जो जिनका अंतर डिफरेंस 3 हो। तो हम एक काम करते हैं, 10 के सारे फैक्टर्स लिखना चालू कर देते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं कि 10 इंटू 1 लिख लेंगे तो डिफरेंस 9 रहेगा। 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 10 आएगा और डिफरेंस हो जाएगा 3। ये मतलब 5 और 2 फैक्टर, 3 को हमें 5 और 2 के रूप में लिखना है। आइए कर लेते हैं, उसके बाद तो बाकी सवाल आसान है। आपको इसको सही फैक्टर्स के रूप में लिखना जरूरी है। फिर से मैं बता देता हूँ, 10 के दो गुणनखंड, साइन ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना है, डिफरेंस 3 होना चाहिए, दैट इज इट। इतना ही करना है आपको अगर फैक्टर्स निकालना है। तो आगे करके देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, इस 3x को मैं माइनस 3x है तो माइनस 5x प्लस 2x लिख सकता हूँ। बस उसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, और 2x माइनस 10 है, वहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो x माइनस 5 बचेगा, फिर x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 कॉमन निकाल लूँगा तो x प्लस 2 बच जाएगा, x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब है या तो x माइनस 5 0 है या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से लिख सकता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है या x प्लस 2 0 है। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो जवाब आ जाएगा x माइनस 5, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ऊपर इसको एक बार, मेरी मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल जवाब निकालने के बाद इसका आप चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं। 5 और माइनस 2 है, इसका आंसर 5 रखूँगा तो 25 आ जाएगा, 25 में से 10 घटाऊँगा तो 15, और 5 से 15 सही है, और माइनस 2 करूँगा तो 2 दूनी 4 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 और 6 10 हो जाएगा, तो सही जवाब है ये। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।